ये आपका ईगो है, मैं ये ज्ञान अपने अंदर जगना चाहिए, प्रेम अपने अंदर जगना चाहिए। आप कहीं से उधार नहीं ले सकते। There are lots of people today, you know, in the world who are talking of meditation, लेकिन आप उनकी आंखों में देखो तो क्रूएल्टी दिखाई देती है, हार्डनेस दिखाई देती है। कोई किताब पढ़ के, किसी की बात सुनकर आप जीवन नहीं जी सकते। यदि आप जी रहे हो तो उसका दूसरा नाम है कन्फ्यूजन। So now I'll show you, this is only an, you know, experimental thing, but for small children, for people who don't understand anything, they will get the concept very clear. This is a glass of water, right? There is water here. Ye pani hai. Ab dekhiye, ye glass ko, glass aur ye pani jo hai, isko aap apna माइंड मानिए, माइंड मन जिसे हम बोलते हैं माइंड, ठीक है, जिससे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बातें करते हैं, ये मन और ये ग्लास उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आपको क्या दिख रहा है? क्लियर ग्लास ऑफ वाटर, क्लियर ग्लास ऑफ वाटर, और इसमें पानी हिल रहा है? नहीं। इसमें लाइट दिख रहा है या चमक रहा है? हाँ। तो जब आदमी मेडिटेशन में होता है उसका माइंड ऐसे हो जाता है साफ, और उसमें ये जो ऊपर की लाइट है, ये इस समय तो सनलाइट इसमें जा रही है, हमारे अंदर जो एनर्जी गई थी वो कॉस्मिक लाइट है, वो दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चारों तरफ फैली हुई है। उसके अंदर यूनिवर्स एक छोटा सा बॉल है, वो इतनी इन्फिनाइट है, ठीक है, तो वो लाइट एक्ट करने लगती। अब देखिए ये जो मट्टी है ये क्या है? ये हमारा ख्याल, सोच, चिढ़, झगड़ा, लड़ाई, ये मेरी मम्मी, मैं हिंदू हूं, मैं ये, मैं अच्छा, आप बुरा, मैं बीजेपी का, आप उसके, इसका, ये जितना दुनिया में हम लोग की दुनियादारी जो सब ख्याल है ना, ये क्या है? ये मट्टी है। अब देखिए इस मट्टी को मैं इसमें डाल रहा हूं, तो ये पानी को, पानी का क्या हालत हो रहा है? पानी क्या हो गया? अभी गंदा हो गया, गंदा हो गया, ब्राउन हो गया। ये आपका ईगो है, मैं, ये चम्मच, इसको मैं करते हैं ना, ये चम्मच वो मैं है। अब ये मैं क्या करता है? इस गंदगी को हिलाता रहता है। अब ये पानी और गंदा हो गया। हाँ। ये नॉर्मल माइंड ऐसे चलता है कंफ्यूजन में, दुनिया भर की, कभी ये ख्याल आ रहा है, कभी वो ख्याल आ रहा है, कभी टेंशन हो रहा है, मैं फेल हो गया, मैं पास हो गया, मैं ट्वेल्थ में फेल हो जाते हैं बच्चे, वो अपने को फांसी में लटका देते हैं, ये कंफ्यूजन, ठीक है। और ये ईगो जब तक तुम्हारा चल रहा है, जब तक तुम्हारा माइंड को मेडिटेशन क्या है पता नहीं, अब तुमको कोई एक आदमी मिलता है, कोई एक किताब मिलती है, एक लाइफ में सिचुएशन पैदा होती है जिसमें ये जो ईगो जो आपका सब समय चालू ही रहता है, काम करता रहता है, इसको वो बोलता है, अरे भाई सरेंडर करो, मत लड़ो, मत कुछ करो, तो ये जो 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 कर रहा है ना, तो सरेंडर मतलब क्या होता है कि वो बोलता है इसको छोड़ दो। अब ये ईगो हिल रहा है, आपका अहंकार जो है हिल रहा है, इसमें नहीं हिल रहा है। अब नहीं हिल रहा है तो ये पानी अब गंदा हो रहा है कि धीरे धीरे ये गंदगी बैठ जाएगी, धीरे धीरे ये गंदगी बैठ जाएगी। तो जो मेडिटेटिव माइंड होता है उसमें ईगो जो है आपका वो क्वाइट हो गया है, वो चल नहीं रहा है, और जो एक्टिव माइंड होता है उसमें ईगो काम करता है, ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। और मेडिटेशन में ईगो ने क्या किया? सरेंडर कर दिया, क्वाइट हो, क्वाइट हो गया। अब ये पानी जो है इतनी जल्दी तो नहीं होगा साहब, लेकिन इसको यदि आप क्लोज में रखो, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये पानी क्या होने लगेगा, साफ होने लगेगा, फिर और साफ हो जाएगा, फिर और साफ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे यदि आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया, सारी मट्टी नीचे बैठ जाएगी, सुबह आप देखोगे पानी एकदम साफ है।
तो जो आदमी 4 या 5 घंटे या 3 घंटे मेडिटेशन में रहा, वो जब अपनी मेडिटेशन से उठेगा तो वो साफ ग्लास का पानी हो जाएगा, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जो शीतलता, पानी की शीतलता, इस एनर्जी की शीतलता से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, जगा हुआ है, क्वालिटी है उसके अंदर, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी मन में है, ख्यालों में है। ख्याल जो है वो चीज है, एक छोटी सी चीज है। एक सोच भी जो है एक साउंड है, साउंड एक मटेरियल चीज है। साउंड को यदि हम एक, जैसे एक वर्ड है तुम, तुम का जो वाइब्रेशन है उसको यदि हम स्क्वीज कर दें तो एक छोटा सा पार्टिकल ऑफ मैटर बन सकता है। साउंड से भी मैटर बन सकता है, ठीक है, मैटर से साउंड बन सकता है, साउंड से लाइट बन सकता है। तो लाइट, साउंड, मैटर सब इंटर रिलेटेड है, सब एनर्जी है। यहां पे आपने देखा क्या हुआ, जब आपका अहंकार, ईगो कुछ नहीं करता है, साइलेंट हो गया, इसको बोलते हैं नॉन डूइंग मेडिटेशन या कॉस्म्यूटेशन, नॉन डूइंग। हमारे लाइट हाउस जो हम सिखाते हैं वो इस तरीके का मेडिटेशन है जिसमें अहंकार साइलेंट हो गया, क्वाइट हो गया। और आपके अंदर की कंफ्यूजन, इसमें तो टाइम लग रहा है, अंदर कंफ्यूजन खत्म होने में एक पल में हो जाता है, वो इतने धीरे धीरे नहीं होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटली जैसे ही आप मेडिटेशन में जाओगे आप क्लैरिटी में आ गए। अब मेडिटेटिव माइंड के साथ सोना, जगना, नहाना, बात करना, गाड़ी चलाना, एक्टिंग करना, किताब लिखना, सारे काम, ठीक है, यदि आप करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपके पास आइडियाज आपके ब्रेन से नहीं आ रहे, जो यूनिवर्सल ब्रेन है ना, यहां से आइडियाज आएंगे, शू शू, क्योंकि अभी आपका छोटा कंप्यूटर किससे जुड़ गया, यूनिवर्सल कंप्यूटर से जुड़ गया, और जोड़ा किसने, इस लाइट ने। अब ये दुनिया की जितनी इंफॉर्मेशन है, लाखों साल, हजारों साल पुरानी और आने वाली, ये सब एक तरीके से आपको अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना खाली और कितना लाइट से भरा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि भारत में और इस सारी दुनिया के हर इंसान जो है, ये दिस इज माई विश, माई डिजायर, माई ड्रीम, ओके, एवरी चाइल्ड, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, दिस मैनकाइंड, ओके, वी मस्ट ऑल बिकम अ योगी। हमें योगी बनना चाहिए। योगी मतलब उस अद्वैत लाइट से कनेक्टेड होकर जीना, यही सही जीवन है, ठीक है। और ये नहीं कि मम्मी ने ऐसा कहा या पापा ने ऐसा कहा या किताब ने ऐसा कहा, नहीं, फिर आपके दिमाग में ये सब नहीं आएगा। आपको खुद, आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो आपको खुद बताएगी क्या करना क्या नहीं करना, आप समझ रहे हैं। तो कोई भी दुनिया में आपको कोई चीज बता दे, कोई रूल बता दे कि इस चीज के लिए आपको ऐसा करना है, ठीक है, लेकिन वो चीज जो वो बता रहा है वो आपकी लाइफ में कैसे आएगी आपको कैसे पता। यदि वो बोले कि अपने लवर के साथ ऐसे बिहेव करना, ठीक है, और लेकिन आपका भी लवर जो है वो तो थोड़ा क्रिमिनल है, या वो तो मेडिटेटिव है, वो तो ध्यान करता है, ठीक है, अब आप कौन सी किताब पढ़ोगे भाई, अब कि क्या करना है। कोई किताब पढ़ के, किसी की बात सुनकर आप जीवन नहीं जी सकते। यदि आप जी रहे हो तो उसका दूसरा नाम है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन पहले ही होता है जब हम दूसरों की सुनी सुनाई बात, उधार का ज्ञान अपने जीवन में इकट्ठा कर लेते हैं और अपने जीवन में उसको जबरदस्ती ठोसते हैं, जो जहां वो उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। तो ज्ञान अपने अंदर जगना चाहिए, प्रेम अपने अंदर जगना चाहिए, आप कहीं से उधार नहीं ले सकते, ठीक है।
ठीक है। यदि आप उधार मिलोगे तो आप कॉपी कैट बनोगे, कॉपी कैट बनोगे तो आपकी लाइफ जहां पर आप हो वहां से धीरे धीरे नीचे गिरती जाएगी, गिरती जाएगी और आपका पतन होगा और आप सफरिंग में जाओगे, बाद में रोगे। हो सकता है आप करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, स्टार बन जाओ, ठीक है, लेकिन आप एक दुखी, टूटे हुए, हारे हुए इंसान हो जाओगे। तो जीवन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है या कितना नाम है, आप कितना सुंदर, कितना साफ, कितना पवित्र, कितनी जागृत जीवन हर पल जी रहे हो। ये भी नहीं कि सुबह और शाम भी नहीं चलेगा, ये सुबह और शाम भी अपने को बेसिकली आप यू आर फूलिंग योरसेल्फ, आपको आप उल्लू बना रहे हो। एक घंटा मैंने सुबह ध्यान कर लिया, एक घंटा शाम को कर लिया, और सारे दिन आप क्या कर रहे हो? जब आप बात कर रहे हो, जब मैं बात कर रहा हूं, तो आई एम नॉट इन मेडिटेशन, आई एम इन मेडिटेशन, आई लिव इन मेडिटेशन। सो व्हेन यू कम टू लाइट हाउस यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अ मेडिटेशन और अ कॉस्म्यूटेशन विच यू कैन लिव, जो आप जी सकते हो। जैसे आप सांस लेते हो ना, जैसे आपके हाथ और नसों में से खून बह रहा है ना, ऐसे आपके बॉडी में ये कॉस्मिक एनर्जी है, इट विल बिकम पार्ट ऑफ दिस दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट, पार्ट ऑफ दिस ब्रेन, इन एवरी सेल इन योर आईज यू कैन सी मेडिटेशन। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल टुडे यू नो इन द वर्ल्ड हु आर टॉकिंग ऑफ मेडिटेशन, लेकिन आप उनकी आंखों में देखो तो क्रूएल्टी दिखाई देती है, हार्डनेस दिखाई देती है, और वो बोलते हैं मैं सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। तो जो आदमी ऐसा बोल रहा है, आप उसके पास जाते भी क्यों? और उसके पास लाखों लोग जा रहे हैं। इट इज सो सैड। एनीवे, कहते हैं दुनिया में जो असली लोग हैं उनके पास सब समय कमी लोग आते हैं, और जो नकली लोग हैं उनके पास हजार लोग आते हैं। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़।